दोस्त की प्रताड़ना से त्रस्त होकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। यह घटना हुड़केश्वर थाने के तहत दिघोरी में हुई है। मृतक 24 वर्षीय तुषार सुधीर गिवडे है। तुषार के पिता बिजली विभाग में कर्मचारी है। तुषार के पिता की कामठी में खेती थी। पिता ने कुछ समय पहले ही खेती बेची थी, इससे उन्हें राशि मिली थी। तुषार का सौरभ जवान नामक युवक बाल सका है। दोनों में गहरी मित्रता है और सौरभ ने तुषार को कैफे खोलने की इच्छा जाहिर करते हुए उसमें निवेश करने को कहा। सौरभ पर तुषार को भरोसा हो गया। सौरभ ने तुषार को सुरक्षा अमानत के तौर पर ब्लैंक चेक भी दिया। तुषार ने पिता के खाते से सौरभ के खाते में 11.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद कैफे बंद करके सौरभ मुंबई चला गया। तुषार ने उसे रुपए लौटाने को कहा और सौरभ ने कैफे बेचकर रुपए लौटाने का आश्वासन दिया। दबाव बनाने पर वह टाल मटोल करने लगा। बाद में उसने तुषार को प्रतिसाद देना भी बंद कर दिया। सौरभ के रवैये से त्रस्त होकर तुषार ने 21 अगस्त को जहर का सेवन कर लिया। उसका सदर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। उसने 24 अगस्त को दम तोड़ दिया। सदर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल दिघोरी चौक होने से सोमवार शाम को जांच हुड़केश्वर पुलिस को सौंप दी गई। विस्फोट के पहले तुषार ने सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उसने सौरभ द्वारा खुदकुशी के लिए मजबूर किए जाने का खुलासा किया। इसके आधार पर हुड़केश्वर पुलिस जांच में जुट गई है। उसने तुषार के परिजनों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। देर रात तक पुलिस सौरभ के खिलाफ खुदकुशी का मामला दर्ज करने में जुटी हुई थी। तुषार माता पिता का इकलौता बेटा बताया जाता है। उसकी मृत्यु से परिजन गहरे सदमे में है। पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर येथे काल एक तक्रार पोलीस स्टेशन सदर येथून दाखल झालेली होती। मार्गवरून झुरोजी कायमी आमच्याकडे आलेली होती। त्यावरून आम्ही इथे काल हुडकेश्वरला BNS 108 प्रमाणे पूर्वीचा 306 आत्महत्यास प्रवृत्त करणे हा गुन्हा दाखल केलेला आहे। याच्यातील मृतक जो आहे तुषार हा यांनी जो सुसाईड केलेली आहे ते सुसाईडवर एक नोट लिहिलेली होती त्यांनी। सौरभ चव्हाण याला मी 11,70,000 रुपये दिलेले होते आणि 11,70,000 रुपये सौरभ मला देत नाही, टाळाटाळ करत आहे। आणि त्याचा जे कॅफे होता त्या कॅफेमध्ये जे काही इंटेरियल केलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये काही फर्निचर घेतलेलं होतं, फ्रीज आणि AC, त्याचा जे लोन आहे सौरभनी याच्या नावावर घेतलेलं होतं आणि त्याची परतफेड तो करत होता। परंतु मागील 2-3 महिन्यापासून हप्ते चुकले, त्यामुळे ते रिकव्हरीवाले यांच्या घरी आलेले होते। त्याच्यामुळे याला त्रास झालेला होता आणि एकतर पैसे पण गेलेले होते आणि इन्स्टॉलमेंट पण याच्या नावावर बसत होते आणि कर्ज फेडत नाही आहे हे म्हणून त्याला आला आणि त्यांनी घरी काहीतरी पॉइजन घेतलं। त्याच्यामध्ये त्याला उपचारादरम्यान तो किंग्जवे हॉस्पिटल सदर येथे मृत पावला 24 तारखेला। 21 तारखेला त्याने पॉइजन घेतलेलं होतं आणि काल आपल्याला सूचना तिथून कागदपत्र आमच्याकडे प्राप्त झाले सदरवरून आणि काल आम्ही लगेच आरोपी विरुद्ध 306 नुसार पूर्वीचा आणि आता 108 DNS प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपीचा आम्ही शोध घेत आहोत आणि तत्काळ याच्यामध्ये आम्ही आरोपीचा अटक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। आता प्राथमिक माहिती काल रात्रीच गुन्हा दाखल झालेला आहे। थोडी प्राथमिक माहिती अशी मिळाली की मृतकाचा जो वडील आहे त्यांची एक वडिलोपार्जित शेती वगैरे होती आणि ती गावाकडची शेती विकलेली होती आणि मृतकाच्या नावावर त्याने एक फिक्स्ड डिपॉझिट केलेली होती 12-13 लाख रुपये आणि त्याच्यातलाच ती रक्कम होती अशी माहिती मिळत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉर्पोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।